इस बार बजट में रियल एस्टेट के लिए सरकार तोहफों की बरसात कर सकती है। बजट में तो सरकार का रियल एस्टेट पर खासा जोर इस बार इसलिए भी रहने की उम्मीद है क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल की डेडलाइन भी अब नजदीक आने लगी है। 2022 तक सरकार का मिशन सबको घर मुहैया कराने का है, लेकिन इन योजनाओं के आने और फिर लागू होने के बाद ही इनका असर दिखाई देगा। उससे पहले एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान रियल एस्टेट के सुधार के लिए उठाए गए कदमों के असर की वानगी पेश की है। बिल्कुल अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि रेरा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुका है, GST पे पूरी क्लैरिटी है, डेवलपर्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वो टाइमली डिलीवरी करते जा रहे हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं कि वापस रियल एस्टेट में अब घुसने का सबसे अच्छा टाइम है, और वो सेल और सारी रिपोर्ट ऑन ग्राउंड रियलिटी वो यही बात बता रही है कि अब रिवाइवल आ चुका है मार्केट में और अगले एक दो साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं। दरअसल इस रिपोर्ट पर भरोसा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये RBI का हाउस प्राइस इंडेक्स है। इसके मुताबिक लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की कीमतों का ट्रेंड निवेशकों का हौसला बढ़ाने वाला है। हाउस प्राइस इंडेक्स के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया है कि शॉर्ट टर्म में कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन जैसे ही बात लंबे वक्त के निवेश की होती है तो फिर तस्वीर एकदम बदल जाती है। नोटबंदी के बाद कीमतों में भारी गिरावट आई थी, लेकिन अब रियल एस्टेट का संकट दूर होता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 9.3% इजाफा हुआ है। 5 साल में मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और कोची का औसत बेहतर रहा है। 1 साल में सबसे ज्यादा 28.84% बढ़ोतरी कोची में हुई है, जबकि कानपुर में भारी गिरावट आई है। दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम 3.31% बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 1 साल में प्रॉपर्टी की कीमतों में 4.66% का इजाफा हुआ है। 3 साल में प्रॉपर्टी के दाम 6.72% बढ़े हैं। डेवलपर्स का भी मानना है कि अब प्रॉपर्टी केवल लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ही रह गई है। कम वक्त में यहाँ से मुनाफा कमाकर निकलने का दौर बीते वक्त की बात हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट वर्ड जहाँ जुड़ जाता है ना, तो शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता, इसका हॉराइजन कस्टमर का हमेशा बड़ा होना चाहिए और लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, इट इज स्पेकुलेशन। वो स्पेकुलेशन का दौर था, वो खत्म हो गया, अब इन्वेस्टमेंट का दौर आया। से कॉमर्शियल थोड़ा सा ज़्यादा, इस वक्त आपने लास्ट रिपोर्ट देखी भी होगी कि दिल्ली NCR के ऑल ओवर इंडिया ही कॉमर्शियल का बड़ा अच्छा एक मार्केट अप हुआ है, और उसके पीछे अफोर्डेबल हाउसिंग, तो दोनों चीज़ों का है, लेकिन कॉमर्शियल इज डूइंग गुड दीज डेज। ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो मई जैसे थोड़ा सा हल्का रहता है सेल को लेके गर्मियों की वजह से, तो हमने अपना बेस्ट मंथ अभी क्लोज किया है पिछले 1 साल में अगर हम कंपेयर करें, तो इसका मतलब डिमांड है, वापस डिमांड है। तो सप्लाई क्योंकि काफ़ी देर से आई नहीं है, पिछले अगर आप कुछ देर से देखेंगे तो नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस नहीं हुए, तो जो भी सप्लाई तैयार हुई वो एब्जॉर्ब होती रही, तो आज की डेट में इन्वेंट्री का इशू आने लग गया है जिसकी वजह से प्राइस अब बढ़ने लग गए हैं, और नए लॉन्चेस कम हैं, तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़े बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ चलते रहेंगे। यानी अब प्रॉपर्टी मार्केट में वही टिक पाएंगे जो यहाँ केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं आते। अगर प्रॉपर्टी के साथ निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ेंगे तो ये सेक्टर ज्यादा भरोसेमंद बन सकता है।